अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। घर की स्पेशल खुराक लेकर आए हैं जो कि इनकी डाइट में आज इनको दे रहे हैं। माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वो देखें आप, एक अंडा भी हमारी मुर्गी ने दिया हुआ है। माशाल्लाह सारे आ गए, राजा रानी भी आ गए। तो माशाल्लाह 3 इडियट्स भी हमारे बाहर आ चुके हैं, हमारी रानी भी आ गई है, राजा भी आ गया और चीनी मुर्गी भी हमारी बाहर आ गई है। दोस्तों अब हमें अपनी मुर्गियों के लिए नेस्ट बनाना चाहिए ताकि मुर्गी का जो अंडा है वो अपने नेस्ट में जाकर दे और उसका जो अंडा है वो टूट भी ना सके। तो अब हम इस जगह पर जो है नेस्ट बना देते हैं, क्या कहते हो यार? हाँ ठीक है, ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ इस कॉर्नर पे बना दो बना देते हैं ताकि जिसने भी अंडा देना हो ना यार वो इधर आकर दे दे। 40 अंडे को हम इधर साइड पर रख देते हैं और इसके लिए यार नेस्ट बनाते हैं। इसके लिए हमें ईंटे चाहिए और भूसा चाहिए। इसको बाहर निकाल दिया है और अब हम जो है इनका नेस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो बोरी है इसको बिछा देते हैं। अब ईंटे देख रहा हूँ, ईंटे पकड़ाओ, एक और ईंट हो ना वो इधर लगा दें तो दो बन जाएंगे, बैठना होता ना बैठ जाएंगे। एक टोटा है टोटा, ये देखिए हम लोगों ने अपनी मुर्गियों के लिए नेस्ट और इसके ऊपर रख देते हैं हम ये भूसे को ताकि मुर्गी ने कोई भी अंडे देना हो ना यार वो टूटेगा नहीं। और नज़दीक का नज़दीक है, यहाँ से हम आके अंडे भी उठा देंगे इसके बजाय इसके कि वो पीछे दे यहाँ दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। सभी सही है ना, अभी ये जगह इनके लिए ठीक है, अंडों के लिए ठीक है। किसी ने भी मुर्गी ने अंडा देना होगा वो डायरेक्ट आके यहाँ दे सकते। जी सारे हमारे बर्ड्स को जो है आदत हो चुकी है, खुद बहुत चले गए हैं। क्या करी मुर्गी यार, मुर्गी तो चुक रही है यहाँ से, देखने उनके लिए जगह बन गई है ना, चलते भी रहेंगे अंडा भी दे देंगे यहाँ पर। दाना जो है कबूतरों को भी डाल देते हैं। ये वाला कबूतर आई नहीं रहा अभी तक। मुर्गियों ने जो जो चीजें छोड़ी है ना वो अब हमारा कबूतर खाना स्टार्ट कर रहा है और बाकी भी कबूतर देख रहे हैं इसे। अब ये भी आ कबूतरों के लिए भी अच्छी बात होगी। कबूतर भी यार सही फिट खाने लगे। हाँ जी, ये कबूतर भी हमारे सारे बाय ना रहे हैं, कबूतरों को भी रोटी बहुत पसंद। बाकी सारे कबूतर इधर क्या कर रहे हैं? अभी ना हमारे परिंदे असल में है नए तो यहाँ इस जगह पर, तो हमें डर ये है कि अगर हम उनको वहाँ लेकर जाएं तो वो अगली छत पर ना चले जाएं या और आगे ना चले जाएं। तो इस वजह से जो है ना अभी तक हम लोग इनको आगे नहीं लेकर जा रहे, ऐसे ऐसे हम लेकर जाएंगे और भाई लेकर जा भी रहे हैं। उनको असलैन भाई उधर तक लेकर चले गए हैं तो अब मुर्गियों को भी लेकर जाते हैं ताकि इनकी आदत बनती रहे ऐसा ऐसा। चलो यार शाबाश, तुम लोग भी जाओ, मुर्गा उधर है आगे। शाबाश शाबाश, मुर्गे को देख लिए ना, अभी ये भी चले जाएंगे देखना। ये ठीक है, अब देखिए साथ साथ जो है ना ये भी दो मुर्गियां हमारी ये भी चले गई हैं और बाकी ये पट्टी बच गए। यार ये इसको बहुत आराम सुकून से इसको हैंडल करना है वरना ये जो है उड़ जाती है। तो इसने भी देख लिया और अब ये भी जा रही है। चलो भाई ठीक है। अच्छा पीछे बची है जी एक ये वाली मादी और एक ये हमारी 3 इडियट्स में से एक ये मादी बची है और एक हमारी रानी बची हुई है। ओ भाई एक और अंडा पड़ा हुआ है, अंडा एक और है। अब ये पता नहीं किसने दिया है, ये मेरा ख्याल है हमारी 3 इडियट्स में से किसी ने दिया है। तो अभी इसे निकालते हैं बाहर, फिर अंडा भी इनका निकाल लेते हैं। तो यार ये एक और अच्छी बात है, आज एक ही दिन में दो दो अंडे हमें मिल रहे हैं। ये भी खुद चले गए, वाह जी वाह। बस इन्हें ज़्यादा नहीं डराना वरना ये आगे की तरफ ना चले जाएं। ये चीज़। चलो भाई मुर्गा जी तुम भी जाओ, ये आराम से रहेगा ये चीज़। चलो भाई ठीक हो। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। होय 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 होय।